नकली शराब का खुलासा होने के बाद अब शहर में हड़कंप का माहौल है, जहां पुलिस के साथ साथ प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं इसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी गलती करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नकली शराब से हुई चार मौतों के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद चंद घंटों के अंदर ही आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास लगभग 140 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 123 देसी शराब के पाव जब्त हुए हैं। जब्त शराब में मिड रेंज की ब्लेंडर्स और रॉयल चैलेंज के साथ ही मैकडॉनल्ड और रॉयल स्टैग ब्रांड की भी शराब बोतलें बरामद हुई हैं। वहीं इस कार्यवाही के बाद अब पुलिस के साथ साथ प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उसमें पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें रॉयल स्टैग का कहीं मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे लोग बॉटलिंग कर रहे थे। संभवतः जो इनिशियल मिला है, मुझे अभी उसके बारे में टेक्निकली पूरा ज्ञात नहीं कि पुलिस को कितने एविडेंस मिले हैं, पर खंडवा के कोई मोटका में कहीं इनको एविडेंस मिला था, उस पर पुलिस वर्क कर रही है। और इसके तारतम्य में पुलिस ने और एक्साइज ने सभी बार्स में जो भी रॉयल स्टैग के बॉटल्स थी, सभी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है। जो जहाँ पर ये व्यक्ति ने जो बार थी, जहाँ पर जिस व्यक्ति ने ये कुछ बॉटल्स उसने ली थी, जो नियम प्रक्रिया से जिस दुकान से लेनी होती है उससे, और कुछ उसने नियम प्रक्रिया के बाहर जाके बाहर से खरीदी थी, जिसके माध्यम से ये दूषित शराब जो वहाँ आई थी उसको पीने से घटनाएं हुई हैं, उसके खिलाफ पुलिस एक तो 304A का मुकदमा जो कायम कर रही है, जो गंभीर अपराध माना जाता है, इस साथ साथ में और भी गंभीर कार्रवाई उसके खिलाफ होने वाली है। ये मैं अभी टेक्निकली नहीं बता सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है इसमें, पर हाँ ये जरूर है कि जो उसमें कुछ बॉटल्स ऐसी थी जो उसने रेगुलर जो लाइसेंसी लोग हैं, जहाँ पर कि एक प्रॉपर कंपनी की चैनल से जाती है, उसके बाहर जाकर के उसने कहीं बाहर से ली है। तो एक चूँकि संभावना वो है, और ऐसा और भी बार्स ने ना किया हो तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर बार्स में इस तरह की कोई एक रॉयल स्टैग की या गलत तरीके से ली हुई बॉटल्स होंगी तो सीधे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानती हैं कि शहर में इस प्रकार की घटनाएं बहुत हो रही है, तो इसलिए हमारा हमला लगातार सक्रिय है, और इसकी सक्रियता के चलते हमने एक बड़ी घटना होने को टाला है। और हमको एक खबर मिली थी कि रॉयल एम्पायर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 102 में खातीवाला टैंक में इस प्रकार का ये गोरख धंधा करता है, तो इसका हमने लगातार दो तीन दिन से इस पर हम वॉच करे हुए थे। तो आज हमको एक मौका मिला, तो हमारी टीम जिसका नेतृत्व हमारे कंट्रोलर राजीव द्विवेदी कर रहे थे और शालिनी सिंह, इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाकर इस प्रकरण को अंजाम दिया, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, जिसकी गुणवत्ता भी संदिग्ध हो सकती है, इसकी हम FSL की भी जांच करा रहे हैं। इसमें अंग्रेजी शराब में रॉयल चैलेंज है, रॉयल स्टैग है, मैकडॉल रम है, इस प्रकार भिन्न भिन्न ब्रांडों की इस प्रकार की इन्होंने सभी चीज़ें एकत्रित करके रखी थी, जिसमें देशी मदिरा भी थी, बियर भी थी, तो इस प्रकार ये एक रैकेट समानांतर चला रहे थे। इसके ऊपर हमारी काफ़ी दिनों से नज़र थी, तो आज हमारे को मौका मिला और हमने इस कार्रवाई। वहीं इसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी गलती करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के संकेत दे दिए हैं। सभी जगह गए हैं लोग, जांच करने के लिए गई हैं टीम्स आज, और उन्होंने जांच की है, चेक किया है, सतर्क किया है बार ओनर्स को, क्योंकि जो बार ओनर ने गलती की है उसको कहीं ना कहीं दंडित होना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा, उन पर उनके खिलाफ 304A का जिसमें घटना हुई वो भी होगा, और रसुका भी लगेगी उन पर, तो गंभीर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग को आशंका है कि सभी बोतलें नकली शराब की हो सकती हैं, इसलिए इसकी FSL जांच कराई जा रही है, और जरा भी मिलावट या अमानक शराब पाई गई तो विभाग इसमें जहरीली शराब का प्रकरण दर्ज करवाकर केस को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।